Now, design the TM for 2's complement. In this question, we are going to discuss the Turing machine for the 2's complement. 2's complement, आप लोगों ने binary number system में पढ़ा होगा. Suppose if I am going to take here 1 0 1 0 0 1 0 0, this is the number अगर यहाँ पर given है और अगर ये हमारे पास एक number है और इसका अगर मुझे 2's complement निकालना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2's complement में क्या होता है कि पहले हम इसका 1's complement निकालें तो जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे और जो 1 है उसे 0 कर दिया तो this is nothing the other way. अब यहाँ पर हमने इसका उल्टा कर दिया 0 को 1, 1 को 0 में कर दिया that is the 1's complement. This is nothing but 1's complement. Reverse कर दिया number को वो 1's. 1's complement में हम क्या करते हैं 1 को add कर देंगे. 1 को add करोगे तो ये 1, 1 क्या हो जाएगा 0, again ये carry आया वहाँ 1, then again it is a 0, then it will be 1 and then ये 1 ही रहेगा 1, 0, 1, 0. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये जो हमारा given number था, गिवन हमारे पास ये था और इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो अगर आप यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट 0 ये 0 ये और ये वाली प्लेस ये 3 प्लेस जो है इसका सेम है बाकी सारा अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये उसका उल्टा है दैट मीन्स यहाँ 0 था तो यहाँ 1 ये 0 है तो 1 1 है तो 0 ये 0 है तो 1 और 1 है तो 0 इसका मतलब क्या अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट लॉजिक जो हम लगाने जा रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेशन तो हम टीएम में नहीं लगा सकते तो हम क्या कर रहे हैं इसका लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं लॉजिक क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड से अगर चले मेरे हाथ का जो राइट हैंड साइड से तो यहाँ पे देखिए जब तक हमें 0 मिल रहा है तो 0 रहेगा इस 0 के बाद जो भी पहला 1 मिलेगा वो 1 1 ही रहेगा उसके बाद के जितने भी नंबर है वो उल्टा हो जा रहा है आई मीन रिवर्स हो जा रहा है तो लॉजिक क्या है कि हम यहाँ पे क्या क्योंकि हमारी जो मशीन होगी आई मीन जो ट्यूरिंग मशीन अगर मैंने टेप पे ये सिंबल लिया है सपोज अगर मैंने यही ले लिया ये हमारा टेप है तो अगर हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है वो क्या करेगा इस इनपुट को रीड करेगा तो वो इनपुट रीड करे तो हमें ये आउटपुट ये जनरेट करे हमारा लॉजिक ये है कि अगर हमने उस ट्यूरिंग मशीन को ये इनपुट दिया जो गिवन नंबर है तो हमें आउटपुट ये मिलना चाहिए तो हम यहाँ पर देखें क्या कि यहाँ से वो रीड करना चालू करेगा तो 1 को 1 ही रहने देंगे 0 को 0 ही रहने देंगे हम क्या करेंगे जब तक कि हम यहाँ पहुँचे जब हम लौटना चालू करें यहाँ से तो जो भी फर्स्ट 1 आ रहा है उस 1 को 1 रहने दें और उसके बाद के जितने नंबर हैं उनको रिवर्स कर दें तो देखिए इसका लॉजिक कैसे करेंगे इट्स वेरी इजी यहाँ पर हमने क्या करा क्यू नॉट से चलना स्टार्ट किया अब देखिए यहाँ पे क्यू नॉट से चलना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया यहाँ पर लूप डाल दिया कि 1 को 1 में ही रहने देंगे और राइट मूव करेंगे देन अगेन यहाँ पे क्या मिला 1 मिला उसके बाद क्या रीड करेंगे आप आई मीन जो गिवन स्ट्रिंग है 1 है 0 है दैट इज 1 0 1 अगेन 0 0 देन 1 0 0 ये हमारा टेप है उस पर ये गिवन इनपुट हमने डाल दिया तो 1 को 1 रहने दिया और आगे बढ़ गए इसी तरह से 0 को 0 में ही रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे फिर हम तब तक चलते जाएंगे जब तक कि हमें यहाँ पर एक ब्लैंक सिंबल यहाँ पे मैंने ब्लैंक को बी से रिप्रेजेंट किया यू कैन टेक डेल्टा समटाइम्स आई टेक हियर डेल्टा समटाइम्स बी ले रहे हैं डिपेंड्स क्योंकि इसमें कैपिटल बी कहीं यूज नहीं हो रहा तो आई टुक द बी आप डेल्टा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया ब्लैंक जब ब्लैंक हमने देखा तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया और लेफ्ट घूम गए आई मीन जैसे ही मुझे ये ब्लैंक मिला तो हमने लेफ्ट घूमना चालू करा दैट मीन्स क्यू वन पे पहुंच गए जब क्यू वन पे पहुंचे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे को 0 मिल रहा है तो 0 को 0 ही रहने देंगे और लेफ्ट घूम जाएंगे नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते जाए तो 2 0 हमारे पास है ये 0 0 में ही रहेगा नेक्स्ट क्या मिला यहाँ पर हमें 1 मिला तो जैसे ही 1 मिला तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 को 1 और लेफ्ट घूम गए अब देखिए यहाँ पर मैंने इस 1 को लूप पे नहीं डाला क्योंकि अगर आपने 1 को लूप पे डाल दिया तो इसका मतलब मल्टीपल 1 हमारा लॉजिक क्या है 0 के खत्म होने के बाद जो भी पहला लेफ्ट हैंड साइड से 1 मिले फर्स्ट 1 ऑफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग तो उसको हमें कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने एक नया स्टेट लिया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी 1 मिला फर्स्ट 1 उसको हमने 1 में ही रहने दिया और मान लीजिए हम Q2 स्टेट पे आ गए अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है 1 और 1 किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 में तो अब क्या है Q2 स्टेट पे जब हम पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 0 को हम 1 में चेंज करेंगे और लेफ्ट ही घूमे आई मीन इधर ही बढ़ते जाएंगे हम लेफ्ट की तरफ ही आएंगे अगेन अगर रास्ते में उसे कोई 1 मिल रहा है तो उसे 0 में कन्वर्ट कर दो और लेफ्ट घूम जाओ
चलते चलते सारे हमारे यहाँ पे लास्ट है वन, ये भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपने देखा कि ये जीरो को जीरो ही रहने दिया, इस वन को हमने वन ही रहने दिया, इस वन को, इस जीरो को हमने क्या किया वन में, इस जीरो को क्या किया वन में, देन ये वन है इसे जीरो हो गया, और ये वन मिला तो हमने इसे भी वन किया और ये जीरो हो गया। तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, और आप देखिए जो हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से। अब लास्ट में क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, ब्लैंक होगा टेप में, लेफ्ट हैंड साइड खाली जगह है तो वो ब्लैंक होगी, उस ब्लैंक को हम क्या करेंगे, ब्लैंक ही रहने देंगे। और हम यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक है हमारा नेक्स्ट टारगेट, हमें तो कुछ करना है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको हॉल्ट कर देते, तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दीजिए और हॉल्ट कर दीजिए, दैट इज अ Q3। और Q3 इज नथिंग बट योर कैन से यहाँ पे फाइनल स्टेट हो गया, क्योंकि हमारा जो टूस कॉम्प्लीमेंट था वो अचीव हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए मैंने H लिखा है, H का मतलब होता है हार्ड, हार्ड का मतलब हम यहाँ पे रुक गए, स्टॉप हो गए, और ये जो स्ट्रिंग है इस ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल होगी, इस ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप H की जगह R भी लिख सकते हो या L भी लिख सकते हो, क्योंकि फाइनली हमें क्या लेफ्ट में टेप में ब्लैंक मिल रहा है, उस ब्लैंक को देखते ही हमें यहाँ पे रुकना है, तो दैट इज नथिंग बट द एक्सेप्टेबल। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रिंग लेके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। नाउ सेम अगर हमें यहाँ पे, मैंने तो अभी क्वेश्चन में जो सॉल्व किया वो टूस कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन अगर सपोज एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट, कैसे ट्यूरिंग मशीन में सॉल्व करेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का बहुत आसान है। आप क्या करते हो, वन को जीरो, जीरो को वन में करते, तो यहाँ क्यू नॉट ने वन को देखा तो जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट मूव कर जाइए ना। अगर हमने यहाँ पे जीरो को देखा तो वन में, तो देखिए यहाँ पे मैंने वन को किस में डाला, जीरो में, देन जीरो को वन में, इसी तरह से ये सारे नंबर कन्वर्ट होते गए, तो क्यू नॉट पे ही डाल दिया। नेक्स्ट क्या होगा, टेप में क्या मिलेगा हमें, ब्लैंक मिलेगा, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देते हैं एंड हॉल्ट कर जाते, क्योंकि यहाँ लेफ्ट या राइट का कोई वो नहीं है, फिर ये फाइनल स्टेट हो गया आपका Q1। तो आप इनिशियल को भी फाइनल बना सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैंक को या ना भी दिखाते तो आप इसी को यहाँ पे कर देते, अदरवाइज ब्लैंक को देखा तो हॉल्ट कर दिया, तो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, अदरवाइज आप इनिशियल को भी फाइनल बना लेते, दैट इज नथिंग बट द वंस कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस।